हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बना रहे हैं कोफ्ते आलू की रेसिपी, और आपको बहुत अच्छा लगेगी, डिलीशियस लगेगी और आपको पसंद आएगी। अब आपको बताते हैं क्या क्या डालेंगे इसमें। दो टमाटर, दो प्याज लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, हरा धनिया लिया है आधा गड्डी, और एक प्याली दही है, और ये लहसुन के जब्बे हैं, और दो आलू लिए हैं, और कोफ्ते मसाले का भी ताशे यूज़ होगा इसमें, और घर के मसाले भी हम यूज़ करेंगे वो भी आपको बताएंगे, और ये 1.5 पाव कीमा है। और आपको रेसिपी सब पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्याज छील रहे हैं, और प्याज बहुत महंगी चल रही है, तो हम 240 रुपये किलो, कोई 220 रुपये किलो पाकिस्तान में पूछने वाला कोई है ही नहीं। हमारी हुकूमत सो रही है, हाँ सो रही है, कोई नहीं है। आवाम बेचारे बहुत परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। दिल तो चाह रहा है हुकूमत को मारो। प्याज को जो है ना आप मोटा मोटा काट लें इसे। ये प्याज हमने मोटी मोटी काट ली, इसको हम पीसेंगे। ये इस तरह काट लें, मोटी मोटी काट लें, जब पीस के बारीक हो जाएगी, इसको बारीक पीसना ही है। ये बारीक प्याज काट रहे हैं हम, इसको पीस के फिर आपको दिखा दें। ये आलू छील ले हम कोफ्तों के, जो आलू डालेंगे इसके अंदर हम। कोफ्तों में आलू बहुत अच्छे लगते हैं, और ये शोरबे का सालन सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा चलो आज कोफ्ते आलू बनाते हैं, और इसमें हम घर के मसाले भी यूज़ कर रहे हैं, और हम ये पैकेट का मसाला हमारे पास 2 चमचे हम इसके भी यूज़ करें ऐसे। ये हम इसको लंबाई में काटेंगे, लंबाई में आलू बड़े अच्छे लगते हैं, कोफ्तों में डालो। और ये हम ऐसे इसको काट लिए हैं, ये टमाटर हमारे कड़े हैं, टमाटर को भी काट लिया, इसको भी हम पीसेंगे। ये प्याज को हम पीस रहे हैं अच्छे से, ग्राइंड कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा पानी डाल लें, पानी अब ना डाल लेंगे। प्याज को हमने बारीक पीस लिया, ये पीस लिए हमने। यहाँ पास दही है, यहाँ पास जो कीमत है इसके अंदर हम ये 1 चम्मच दही डाल देंगे। ये दही हम डाल दिया, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 चम्मच 2 चम्मच प्याज के, लहसुन है ये थोड़ा सा, इसमें लहसुन डाल दें। इसको हम डालेंगे कोफ्ता मसाला, बस हम समझे 1 चम्मच है, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें अच्छे से, मतलब हाथ से ही कर लें तो अच्छा ही है, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें कीमे में ना, दही प्याज और ये लहसुन और ये हमने कोफ्ता मसाला इसमें मिक्स कर दिया, और ये घर के मसाले भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके अंदर हम घर के भी डाल देते हैं, ये हमारे पास किसी भी लाल मिर्च है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। यहाँ पास हल्दी है, ये हाफ चाय का चमचा डाल दें। नमक है, नमक मसाले में था जो हमने कोफ्ता मसाला डाला है, और इसमें हम नमक भी थोड़ा डाले हैं कम, अपने हिसाब से आप नमक डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, प्याज डालते हैं किसी भी पिछले तरह कोफ्ते नरम बनते हैं। अब इसको हम कीमे को इसको हम पीसेंगे, भी कीमा भी पीसेगा। हमने आपको दिखाया था तो इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। टमाटर हमारा पीस लिया अच्छे से, और कीमा इसके अंदर हम कर लेते हैं। अब ये कीमे को ग्राइंड करेंगे हम, और ये कीमा भी पीसा हुआ है, और थोड़ा पीस लेंगे, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं।
कितना अच्छा पीसा है, देखें आप। मैं जूसर मशीन में मैंने कैसा बारीक, और ये कितना देखें बारीक पीसा है। ये किस गया ना इसमें लाइक मशीन मशीन हटा। अब इसके अंदर हम मसाले मिलाते हैं। ये हमारे पास है लाल मिर्च, किसी भी किसी मिर्चें हैं, ये मसाले में भी मिर्चें हैं, तो इसके अंदर हम मिर्चें हम कम डालेंगे, थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें जायके के लिए। और ये हल्दी है हमारे पास, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हाफ थोड़ा पिसा हुआ धनिया है, ये पिसा हुआ धनिया भी डाल दिया। और हमारे पास ये है शान कोफ्ता मसाला, ये इस वो तो हर हाल में डालना है। ये एक चम्मच हम इसमें डाल देते हैं, एक पूरा भर के आधा और डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया एक चम्मच पूरा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ये हमारे पास है टमाटर पेस्ट जो हमने बनाया था, इसको भी इसमें डाल देते हैं। डाल दिया हमने, ये हमने सब मिक्स कर दिया अच्छे से। ये देखें ये मिक्स हो गया। और अब हम क्या करेंगे, नमक मिला दिया, नमक आप अपने हिसाब से डालें। ये हमारे पास है ऑयल, अब हम ऑयल डालते हैं सबसे पहले। ये ऑयल बहुत महंगा है तो आप एक ही चमचा डालें। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे मेथी दाना, इसको हमें डाल देंगे। अभी थोड़ा ज़रा खाने की खुशबू बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। और अभी जब मैंने मसाला आपको बताया था, इसको सब मिक्स कर लिया अच्छे से प्याज के अंदर, अब इसमें डाल देंगे। अब इस मसाले को हम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम जब ये भून जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास जो दही था फिर इसको डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये मसाला हमारा देखें अच्छे से भुन गया है, 10 मिनट हो गए। अब इसके अंदर हम ये दही डाल देंगे, और दही है ये हमने आधी प्याली दही लिया है, अब इसको डाल देंगे इसके अंदर। वो अच्छे से हम साफ कर लेते हैं, डाल दिया 5 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे दही को इसमें डाल के, फिर आपको दिखाते हैं 5 मिनट बाद। इसके अंदर हमें डालेंगे आप हरा धनिया है, ये इसको हम बारीक हरा धनिया इसके अंदर हमें के अंदर इसको आप बारीक काट लें, प्याज भी आप बारीक डाल सकते हैं इसके अंदर काट के। मैं प्याज भी डाल ली, सिर्फ हरा धनिया और एक हरी मिर्च डाल दूँगी। यहाँ पर हरी मिर्च है, इसको हम आधे ही डालेंगे, दे देगी मिर्चे हमारे यहाँ कम खाते हैं इसलिए हम मिर्चें कम डालें, मिर्ची भी डाल लें हरी थोड़ी सी। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और धनिया डाल के अभी दही डाल के हमने इसको अच्छे से, ये देखें भुनने पे आ गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, हमने जो दही डाला था ये हमारा भुन रहा है मसाला अच्छे से। अब इसके अंदर हम डालते हैं आलू, ये हमारा मसाला, हमारा मसाला जैसे भुन गया हमने आलू डाल दिए, और आलू डाल के हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसमें कोफ्ते डालने हैं ताकि हमारे आलू इसे ना जलें और कोफ्ते ना जलें। ये आलू हमारे भून गए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ये पानी, ये डाल दिए हमने अच्छे से इसको। हमारे पास ये जो है ना कीमा, अब इसको हम इसमें
डालते जाएंगे अपने काम। छोटे बनाए बड़े बनाए आपकी मर्जी है, छोटे बना रहे हैं ये हम रखते जाएंगे। बन रहे हैं ये कोफ्ते हमारे, ये कोफ्ते हमारे दस मिनट तक के लिए हल्की आंच पे, इसको कुछ भी हिलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हल्का सा पानी डालते हैं इसके अंदर ताकि ये जले ना। नीचे ये पानी डाल दें बस, और अब इसको जो है ना 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। तैयार हो जाएंगे कोफ्ते तैयार हो गए, अब ये हम डिश आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, हमारी रेसिपी बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके ऊपर आखिरी में हम गार्निशिंग करेंगे धनिए की, और अच्छा लगता है, और गरम मसाले की पिसावा गरम मसाला और धनिया डालते हैं ऊपर से, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें हमारी रेसिपी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।